अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ बेटा, आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी बेटा क्वेश्चन नंबर टू। तो इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ा है बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर वन, यानी एक्सरसाइज 14.2, जो कि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आजकल बेटा, वो है स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया यानी एक्सरसाइज 14.1 और एक्सरसाइज 14.2। तो एक्सरसाइज 14.1 का जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर टू पे। हाँ भाई, डाटा तो आपके सामने ही है, यानी टेबल जो है वो बेटा आपको दिखाई देता है कि ये जो बेटा डाटा है इसमें भी हमें करना क्या है, इसमें भी बेटा हमें यानी मोड डिटरमाइन करना है। यानी भाई जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, तो इसमें भी हमें मोड ही डिटरमाइन करना है। यानी क्वेश्चन नंबर टू जो है इसमें भी हमें मोड ही डिटरमाइन करना है। तो पहले आपको करना क्या है, तो पहले हमें ये जो डाटा है यानी हमें आइडेंटिफाई करना है क्या ये इंडिविजुअल सीरीज है या बेटा है ग्रुपड सीरीज। तो ये ऑब्वियसली क्या है, ये तो ग्रुपड सीरीज है। तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि ये जो ग्रुप डाटा होता है इसका जो मोड है वो मोड हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। यानी मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि अगर हमारे पास यानी ग्रुप डाटा होगा तो इस ग्रुप डाटा का मोड हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है यानी मोड डिटरमाइन करने के लिए, मोड डिटरमाइन करने के लिए जो फार्मूला है फॉर ए ग्रुप डाटा, वो फार्मूला क्या है। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया इसमें भी मैंने यानी वही फार्मूला, जो फार्मूला यूज किया है वही फार्मूला मैं इस क्वेश्चन में भी यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू। हाँ, यानी यजन फार्मूला बेटा चाहिए टू डिटरमाइन द मोड ऑफ ए ग्रुप डाटा। सो फार्मूला क्या चाहिए, सो ए फार्मूला लिस्ट में इन टू है एच। बस समझा तो आखा पॉइंट कि ये फार्मूला क्या चाहिए, क्या इसे फार्मूला है मजा है कि तिम टर्म यानी यम टर्म तो समझें। ये तो एल आओ, ये तो एफ वन, ये तो एफ नॉट, ये तो एफ टू, तो ये तो एच। कैसे फॉर्मूला अगर तो याद ऐसे, मगर आप लोगों के दिमाग में ये नहीं होगा कि ये एफ वन जो है या एल जो है या एफ नॉट जो है ये या एच है, ये एक्चुअल में है क्या, यानी व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। तो ये बात आपको मैं पहले क्लियर करूं कि ये जो अननोन टर्म्स है यहां, चाहे एल है, एफ वन है, एफ नॉट है या एफ टू है, यानी ये अननोन टर्म्स के चकरान रिप्रेजेंट। तो इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया उसमें भी मैंने यही फार्मूला आप लोगों के साथ डिस्कस की है, यही फार्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर वन में भी यूज की। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, टेबल टेबल तो यही है जो आपके किताब पे है। तो बेटा हमें इस क्वेश्चन में भी करना क्या है, वी हैव टू डिटरमाइन द मोड। तो पहले सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला यानी याद होनी चाहिए फॉर ए ग्रुप डाटा, यानी ग्रुप डाटा कैन फॉर्मूला सिचेस मोड करन डिटरमाइन। ठीक है, अगर जन पाइनिश आसे इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको बताया कि स्वांटिटी या सॉरी या वनो स्व आइटम या वनो स्व ऑब्जर्वेशन,
زن آکر گے ساروی کھو زیادہ لٹ یا ونو ادر ورڈس یتھ زن ساروی کھو زیادہ فریکوینسی آسہ تو تر ونان یعنی تیت پہ کڑان مور فار این انڈیجول سیریز مگر یہ جو کوشچن ہے یہ تو انڈیجول سیریز نہیں ہے بیٹا یہ گروپڈ سیریز ہے یعنی یہ گروپڈ ڈاٹا ہے تو اس کے لیے بیٹا جو فارمولا ہے وہ فارمولا کیا ہے وہ فارمولا ایل پلس ایف ون مائنس ایف ناٹ اپون ٹوائس ایف ون مائنس ایف ناٹ مائنس ایف ٹو یعنی اگر تو یہ تین وچو فارمولا کیا ہے بیٹا فارمولا ہے ایل پلس ایف ون مائنس ایف ناٹ اپون ٹوائس ایف ون مائنس ایف ناٹ مائنس ایف ٹو اور کیا ہے بیٹا اور ہے انٹو ایچ انٹو ایچ ہاں بھائی پہلے آپ کو کلیئر کرنا ہے یہ ایل جو ہے یہ ایل تو اس سے پہلے والے کوشچن بھی میں نے آپ کو بتایا یہ جو ایل ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ ایل جو ہے یہ ہے لوور لمٹ یہ ہے بھائی لوور لمٹ لوور لمٹ آف ماڈل کلاس کیپ ان مائنڈ یعنی یہ ایل جو ہے یہ ایل کیا ہوتا ہے یہ ایل ہوتا ہے بیٹا لوور لمٹ آف ماڈل کلاس یعنی پہلے میں نے فارمولا لکھے بیٹے اب میں نے آپ کو بتایا یہ ایل جو ہے یہ ایل ہوتا کیا ہے یہ ایل ہے لوور لمٹ آف دا ماڈل کلاس اسی طرح یہ جو ایف ون ہے ایف ون ایف ون یہ ایف ون کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بیٹا فریکوینسی فریکوینسی یہ ہوتا ہے فریکوینسی فریکوینسی آف ماڈل کلاس یعنی کس کلاس کی فریکوینسی فریکوینسی آف ماڈل ماڈل کلاس کیپ ان مائنڈ اسی طرح ایف ناٹ جو ہے ایف ناٹ اس کو ہم پڑھتے ہیں ایف ناٹ بیٹا یہ کیا ہوتا ہے فریکوینسی فریکوینسی آف ماڈل کلاس شارٹ کٹ میں لکھوں گا میں ماڈل کلاس مگر بریکٹ میں لکھوں گا میں پی سی ڈی اسی یعنی اسی بات کو آپ کو سمجھنا ہے یہ جو پوائنٹ میں نے لکھا یہاں پریسیڈنگ 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 حالانکہ اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں فریکوینسی آف دا کلاس فریکوینسی آف دا کلاس فریکوینسی یا لکھیں گے ایسے بھی فریکوینسی آف دا کلاس پریسیڈنگ دا ماڈل کلاس تو میں نے کیا لکھا فریکوینسی آف دا ماڈل کلاس مگر بریکٹ میں نے کہا بیٹا پریسیڈنگ یعنی پہلے آپ کو ماڈل کلاس جو ہے پہلے آپ کو اس کلاس یعنی پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ماڈل کلاس تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں وہ ماڈل کلاس ہوتا کیا ہے ایکچوئل میں میں نے کوسچن نمبر ون میں بھی یہ پوائنٹ ڈسکس کیا ہے مگر باون تو بھی تھی ہاں بھائی اور کیا ہے لاسٹ والا جو ہے وہ ہے ایف ٹو یہ کیا ہے فریکوینسی فریکوینسی آف ماڈل فریکوینسی آف ماڈل کلاس مگر یہاں لکھنا ہے سکسیڈنگ سکسیڈنگ اور کیا ہے بھائی اور ہے ایچ یہ ایچ کیا ہوتا ہے یہ ہے ویڈت آف کلاس یا کہیں گے ہم سائز آف کلاس ویڈت آف کلاس پہلے آپ کو ہر ایک پوائنٹ یہاں یعنی کوسچن سے پہلے آپ کو فارمولا یاد ہونی چاہیے مگر فارمولا میں جو بھی پوائنٹ ہے اس کو آپ کو کلیئر کرنا ہے چاہے ایل ہے چاہے ایف ون ہے ہاں بھائی چاہے ایف ناٹ ہے چاہے ایف ٹو ہے چاہے ایچ ہے یعنی تو چھ بیٹا گوڈ ایتن کلیئر کرون یم کیا چی ریپریزنٹ کرا یعنی تو چھ نیتی ہوتی آتا ان کے ہمارے دماغ میں صرف فارمولا یاد ہونی چاہیے اتنا ہی کافی نہیں ہے تو ایس فارمولا یاد مگر تو ایس نے یہ چیز یاد کی کہ یہ کیا گو یعنی اگر تو نہیں لور لمٹ تو چھ بھائی لور لمٹ مگر کس کلاس کا ہم کون سا کلاس لیں گے تو میں نے بتایا آپ کو اگر تو یہ تین ایسے وچھن یہ تین زیادہ ماڈل کلاس کامن ٹرم آئی تین ماڈل کلاس یہ تین وچھو لور لیمٹ آف دا ماڈل کلاس ایف ون ماڈل کلاس ماڈل کلاس ماڈل کلاس تو بیٹا یہ جو ماڈل کلاس ہوتا ہے تو یہ ماڈل کلاس ہوتا کیا ہے اس سے پہلے والے کوسچن میں بھی آپ لوگوں کو میں نے یہ بات بتائی ہے کہ ماڈل کلاس ایسا کو سو کلاس یہ زن ساری کو زیادہ فریکوینسی ہے بس شارٹ کٹ میں بابن بھائی یعنی سو کلاس کلاس ہیونگ میکسیمم فریکوینسی دیٹ از نون ایز ماڈل کلاس کیپ ان مائنڈ سو کلاس یتن ساری کھو زیادہ فریکوینسی آسی
उस क्लास को हम क्या कहते हैं बेटा? उस क्लास को हम कहते हैं मॉडल क्लास, यानी सुकलास या जन साइको ज्यादा फ्रिक्वेंसी। हाँ भाई, ये एल जो है ये क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। यानी पहले आपको देखना है कि मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास अगर छो, ये कुछ क्लास मैंने बताया, वो क्लास जिस क्लास की सबसे ज्यादा क्या होगी बेटा? फ्रिक्वेंसी। अगर तो ये दिन चेक करियो नोम बेटा क्लासेस, इनको कहते हैं हम क्लासेस। ये को आ क्लास, ये को ब्या क्लास, ये को ब्या क्लास, ये को ब्या क्लास, इतने पर। हाँ भाई, ये लव, यानी अगर हम लेंगे ये वाला क्लास, यानी 0 to 20, 0 to 20, यानी 0 to 20 इसकी, इस क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 10। इसी तरह 20 to 40 इस क्लास की फ्रिक्वेंसी है 35। इसी तरह 40 to 60 इस क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 52। इसी तरह 60 to 80 इस क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 61। 80 to 100 इस क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 38। इसी तरह 100 to 120 एमी क्लास की चोजन बेटा फ्रिक्वेंसी छे, दैट इज 29। हाँ भाई, अब एक और पॉइंट है यहाँ, यानी ये जो मॉडल क्लास है, यानी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जो मॉडल क्लास है ये कौन सा क्लास है? तो मैंने बताया क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहां चेक कब करेंगे, यानी वो कौन सा क्लास है जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है? अगर पहला वाला क्लास लेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, इस क्लास की तो 35 है, इस क्लास की तो 52 है, डैश डैश इसी तरह। यानी हम सारे क्लासेस को चेक करेंगे तो ऑब्वियसली जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो है बेटा ये क्लास, ये वाला क्लास, ये वाला क्लास है, ये वाला। क्यों? इस क्लास की बेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है? 61। तो इस क्लास को हम कहेंगे क्या? इस क्लास को हम भाई कहेंगे मॉडल क्लास। यानी बेटा ये जो क्लास है इस क्लास को हम कहेंगे क्या? इस क्लास को हम बेटा कहेंगे क्या? यानी मॉडल क्लास। कौन सा क्लास? 60 to 80। हम इसको मॉडल क्लास क्यों कहेंगे? क्योंकि यही वो क्लास है जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इस क्लास को हम कहेंगे बेटा मॉडल क्लास। हाँ चलो, मेरे यानी अब मेरे सामने आया है ये पॉइंट कि कौन सा क्लास मॉडल क्लास है। मैंने आपको बताया पहले आपको क्लिक करना है। हाँ भाई, ये बात आपको पहले क्लिक करनी है कि कौन सा क्लास, यानी किस क्लास को हम कहेंगे मॉडल क्लास। मैंने कहा वो क्लास जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस क्लास को हम कहते हैं मॉडल क्लास। कैसे मॉडल क्लास? अभी प्रेस पूछ रहे, पहले मॉडल क्लास को ही हम देखेंगे। यानी बेटा यूजर नी क्लास, दिस इज नोन एज मॉडल क्लास। अब करना क्या है? हाँ, फार्मूला तो है मेरे सामने, यानी एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इन टू एच। चलो, एल जो है, एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, कीप इन माइंड। यानी भाई एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास है भाई, यानी ये जो मॉडल क्लास है, चेक करो चेक। यानी भाई ये जो मॉडल क्लास है ना, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कौन सा क्लास बन गया? 60 to 80। तो एल मीन इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो इस क्लास की जो, यानी इस क्लास का जो लोअर लिमिट है वो क्या है बेटा? वो है 60। तो एल तो आया मेरे सामने, एल क्या बन गया? एल बन गया भाई 60। एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर करूं यहां। एल क्या बन गया? 60। कैसे सर? एल क्या है? व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? इट्स द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। पहले देखेंगे मॉडल क्लास, मॉडल क्लास को छो 60 to 80, तमी क्लास की जो लोअर लिमिट छो, दैट इज 60। हाँ भाई, फिर है एफ वन, एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। हाँ भाई, ये जो कॉलम है ये क्या है? यानी यमजनिम क्लास, यमन क्लास इज क्या? फ्रीक्वेंसी। तो भाई एफ वन जो है, हाँ, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है बेटा? वो है 61। चलो, एफ वन भी आया आपके सामने, 61 है। हाँ भाई, ये कहानी आपको समझ में आई? हाँ, फिर क्या है? एफ नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये यार फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इतना ही तो काफी नहीं है? यहां देखो प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग। जैसे कि आपने क्लास, शायद क्लास 6 में ये एक क्वेश्चन, प्रेडिसेसर, जैसे कि आप उधर नेचुरल नंबर्स लेते हो उनका प्रेडिसेसर आप भाई लिखते हो। यानी यानी क्या है भाई? यानी आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मगर प्रीसीडिंग।
हाँ भाई, ये तो है मॉडल क्लास। इससे पहले जो क्लास है, इसके बाद नहीं, इससे पहले जो क्लास है वही क्या कहलाता है, एफ नॉट। यानी वो क्या बेटा, वो है 52। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर क्या भाई, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इतना काफी नहीं है। मैंने क्या लिखा ब्रैकेट में, सक्सीडिंग, यानी उसके बाद जो क्लास है वही क्या है, F2। नहीं, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी मॉडल क्लास के बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हम कहते हैं यहाँ यहाँ यहाँ, यानी F2 बेटा रिप्रेजेंट करा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मीडियल क्लास, सॉरी मॉडल क्लास। वो F2 क्या बन गया, वो बन गया 38। बस क्वेश्चन खत्म। तो लास्ट में करेंगे क्या, लास्ट में हम अपना अपना वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूला में एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें भी, इस डाटा में भी हमें व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, वी हैव टू डिटरमाइन इट्स मोड। तो पहला पॉइंट, पहले आपको ये जो डाटा है, आपको ये डाटा को यानी आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या ये इंडिविजुअल है, क्या ये ग्रुपड है। ऑब्वियसली इट इज ग्रुपड। हाँ, मैंने ग्रुपड के लिए फार्मूला पढ़ाई। फार्मूला क्या है, L+L+F1 -F0 / F1 -F0 - F2 इंटू एच। हाँ भाई, एक और पॉइंट है, एच एच विड्थ ऑफ क्लास। ये विड्थ ऑफ क्लास हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, विड्थ विड्थ एच या क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ भाई, अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट क्या है, 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ भाई 20 - 0। यानी बेटा ये जो क्या है बेटा, ये जो एच है ये क्या बनते हैं, इवन 20। चाहे आप यहां भी देखोगे 20 20 20 20 20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब हम करेंगे बेटा क्या, अब हम यानी जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाई उसी में हम करेंगे क्या, उसमें हम अपना अपना वैल्यू पुट करेंगे एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखिए बेटा, हाँ भाई देखिए, अब मैं करूंगा क्या, यानी बेटा वन क्या करो, इसे क्या, एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया बेटा, एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया, एक एक पॉइंट मैंने आपको यहां समझाया। तो अब करेंगे क्या, अब करेंगे क्या, हमारी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास को यहां लिखना भी है, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या बन गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो है भाई 62 80। ये है बेटा मॉडल क्लास। तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाई, फॉर्मूला क्या है, एल एल यानी मोड डिटरमाइन करने के लिए जो फॉर्मूला है, L+F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 into H। हाँ भाई, अब करेंगे क्या, पहला पहला जो पॉइंट है L, L क्या बन गया, लोअर लिमिट, वो बन गया बेटा 60। मैंने आपको इससे पहले ही समझाया, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हाँ भाई, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वो क्या बेटा, वो है 61 61 कॉमा F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मगर प्रीसीडिंग, यानी मॉडल क्लास से पहले, मॉडल क्लास से पहले जो फ्रीक्वेंसी है वही क्या कहलाता है बेटा, F1, नो सॉरी F0, वो है बेटा 52। कीप इन माइंड। और क्या है बेटा, F2, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास सक्सीडिंग, यानी मॉडल क्लास के बाद मॉडल क्लास जो है वो है 60 to 80। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 61, इससे इसके बाद यानी जो फ्रीक्वेंसी है वही क्या कहलाते हैं बेटा, F2, वो क्या है, वो है 38। एच भी तो मैंने बताया, एच मीन्स विड्थ ऑफ क्लास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 20। हाँ भाई, तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर मोड, मोड मीन्स, मोड तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, मोड किससे कहते हैं। हाँ भाई, फॉर्मूला लिखेंगे L+F1 - F0 / 2F1 - F0 - F0 - F2 * H। अपना अपना वैल्यू देंगे। चलो भाई, L का वैल्यू बताओ मुझे, L L। हाँ भाई,
एल का वैल्यू क्या है? एल, ये एल बना क्या बेटा? एल क्या है बेटा? एल है 60, एल है बाई 60। प्लस एफ वन क्या है बेटा? ये जो एफ वन है, एफ वन मैंने लिखा है आपको बेटा, वो है 61। माइनस एफ नॉट, वो है बाई 52। अपॉन में क्या आएगा? टू इंटू एफ वन क्या है भाई? F1 है 61 माइनस F0 भाई देखो 52 माइनस F2 क्या है भाई? F2 है 38। F2 क्या है भाई? F2 है 38। इंटू में क्या आएगा? इंटू में आएगा भाई 20। बस अब क्या करेंगे, लास्ट में इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें भाई मिलेगा मोड। हाँ भाई, हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा मोड। अब इसको बेटा सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे? यानी 60 प्लस 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20। हाँ भाई, पहला वाला पॉइंट 60 ऐसे ही, प्लस भी ऐसे ही। इसका क्या करेंगे भाई? इसका करेंगे सब्ट्रैक्ट को, मिलेगा क्या? 9। हाँ भाई, 2 1 2, 2 6 12 माइनस इन दोनों का ऐड 10। ये क्या बनेगा? ये बनेगा 8, ये बनेगा भाई 9, ये बनेगा 9। इंटू में क्या आएगा? इंटू में 20 आएगा। हाँ बेटा, चेक करेंगे क्या मिला, क्या मिला। हाँ भाई, ये ठीक है। अब करेंगे क्या? 60 प्लस 9 अपॉन इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, 32 ही मिलेगा ना भाई? 9, ये 2, और यस, ये क्या बनेगा? ए बनेगा भाई 20। इसके बाद करेंगे क्या भाई? हाँ भाई, इसकी तो कटाई पिटाई करेंगे। 2 16 जा, या ऐसे 4 5 जा, 4 8 जा, 4 5 जा, 4 8 जा। हाँ भाई, ये बनेगा 60 प्लस 9 इंटू 5, दैट इज 45 अपॉन 8। अपॉन क्या आएगा? अपॉन आएगा बेटा 8। ऐसे ऐसे क्या आएगा बेटा? 8। इसके बाद करेंगे बेटा क्या? अभी भी बेटा सिंपलीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ भाई, अब मैं लिखूंगा यहां भाई, यहां लिखूंगा, यहां 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 हाँ लिखेंगे। यानी मोड आएगा क्या भाई? इक्वल्स टू 60 प्लस, जब 45 का डिवाइड करेंगे, यानी 45 का डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 8 से, तो बनेगा क्या? 5.625 भाई, 5.625, 5.625। हाँ भाई, फिर करना क्या? ऐड करना है, तो ये बनेगा क्या? होल पार्ट को होल पार्ट के साथ 65.625। यानी बेटा ये जो मोड़ आया, ये आया क्या 65.625, मगर क्या हावर्स, घंटों में। हाँ भाई, 52 भेज दिया क्लियर क्वेश्चन। ये जो बेटा एक्चुअल में क्वेश्चन था, तो इसमें भी हमें डिटरमाइन क्या करना था, यानी मोड ही डिटरमाइन करना था। तो मैंने किया क्या, पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले देखा कि ये जो डाटा है, ये इंडिविजुअल है या ग्रुपड है। ऑब्वियसली इट इज बेटा ग्रुपड। फिर उसके बाद मैंने, ये जो ग्रुपड डाटा के लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। तो पहले आपको ये बात क्लियर करनी है अपने दिमाग में, क्या ये एल क्या होता है। हाँ भाई, एल क्या होता है? ये होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये एफ वन क्या होता है? ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये एफ नॉट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ये एफ टू क्या होता है भाई? ये एफ टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मगर सक्सीडिंग। हाँ भाई, एच क्या है? विड्थ ऑफ द क्लास।
हाँ भाई, मैंने आप लोग को बताया कि पहले हमें करना क्या है, हमें पहले देखना है कि मॉडल क्लास जो है, मॉडल क्लास कौन सा क्लास होता है, मॉडल क्लास को यानी किस क्लास को हम भाई मॉडल क्लास कहेंगे। कहानी पकड़ में आई? यानी वो क्लास जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी हो गई, उस क्लास को हम कहते हैं भाई, उस क्लास को कहते हैं भाई मॉडल क्लास। फिर मैंने यहां चेक किया किस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, वो है भाई 60 to 80। तो इस क्लास को हम कहेंगे क्या, मॉडल क्लास। हाँ भाई, इस क्लास को हम कहेंगे क्या, इस क्लास को हम कहेंगे मॉडल क्लास। फिर मैंने देखा एल, ये एल क्या होता है भाई, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इस क्लास का लोअर लिमिट भाई क्या है, इस क्लास का लोअर लिमिट क्या है भाई, वो है 60। फिर क्या देखा मैंने, फिर देखा F1। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो है क्या भाई 61। फिर F0, F0 भाई, ये F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मगर पी सी डी, यानी मॉडल क्लास से पहले, पहले मॉडल क्लास से पहले जो फ्रीक्वेंसी है वही क्या है भाई, वही है F0, है ना। मॉडल क्लास से पहले, मॉडल क्लास से पहले जो फ्रीक्वेंसी है वही है भाई F0। यस, F0। फिर है F2। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास सक्सीडिंग, सक्सीडिंग वो क्या है भाई, यानी मॉडल क्लास के बाद जो क्लास है, मॉडल क्लास के बाद जो फ्रीक्वेंसी है वही है भाई F2 इसके बाद। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले आपको अगर फार्मूला दिमाग में है मगर ये पता नहीं है एल क्या है, ये पता नहीं है F1 क्या है, ये पता नहीं है F2 क्या है, ये पता नहीं है F0 क्या है, ये पता नहीं है H क्या है। हाँ भाई, अब एक और पॉइंट बच गया यहाँ, H H H भाई, ये H क्या है, ये है विड्थ ऑफ द क्लास। तो इस विड्थ ऑफ द क्लास या क्लास साइज, इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 20 माइनस 0 एंड दैट इज 20। एट लास्ट मैंने फार्मूला, तो फार्मूला में मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, अपना अपना वैल्यू सबस्टिट्यूट किया, यानी एल का अपना वैल्यू, F1 का अपना वैल्यू, F0 का अपना वैल्यू, H का अपना वैल्यू। फिर मैंने क्या किया, एट लास्ट मैंने सिंपलीफाई किया, एंड एट लास्ट वी गेट द मॉड, सॉरी नॉट मॉड, इट्स नॉट ए मॉड्यूलस फंक्शन, इट इज अ मोड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट। ये क्या है मेरे पास बेटा, ये है 65.625 है। इस पॉइंट को बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगा आपसे एक और क्वेश्चन के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बेटा।